सर आपका नाम? सर मेरा नाम रहतुलाल इंशाज। आप डेरा सच्चा सौदा से, बाबा जी से कितने समय से जुड़े हो? सर मैं डेरा सच्चा सौदा सन 1984 से जुड़ा हुआ हूँ आज तक। अब 35 वर्षों से बाबा जी से जुड़े हुए हो, आखिर आज भी क्यों आप उनको फॉलो कर रहे हो? बहुत कुछ सुना है हमने डेरा के बारे में, बाबा जी के बारे में, वो अब समाज के बीच भी नहीं है, तो क्यों उनको फॉलो कर रहे हो? देखिए बाबा जी के बारे में जो भी सरकार ने फॉलो किया वो सब बेगुनाह हैं, वे सबूत सारे झूठे हैं, उनमें से एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो सतगुरु जी के प्रति सच्चा हो। हम पूर्ण विश्वास 100% ये बात कहते हैं कि हमारे सतगुरु जी जैसे थे जैसे हैं ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ, और आगे का तो सतगुरु जी जान सकते हैं कि क्या होगा क्या होने वाला है। बाबा जी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? बाबा जी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी जो एक नरक थी वो सोने से जन्नत से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होगी, और ऐसी ज़िंदगी होगी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे परिवार के अंदर ऐसे ऐसे इंसान आए जिन्हें डॉक्टरों ने भी 10-10 दिन तक शीशे में रख करके ये कह दिया कि मैंने जो है करीब पुलिस के साथ नौकरी करी है करीब 27-28 साल, तो मुझे फनागर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं गिरीश कुमार जी, उन्होंने भी 10 दिन तक मेरे से ये कहा कि ये इस बच्चे को बचाने वाला कोई नहीं है, चाहे चंडीगढ़ ले जाओ चाहे दिल्ली ले जाओ। एक मेरे सदगुरु जी का ही करिश्मा ऐसा था जो उन्होंने जारियत भी नहीं होने दिया मेरे पूरे परिवार को, और आज वो बच्चा हरा भरा परिवार के अंदर। तो इससे ज़्यादा और सच्चा सबूत डेरे के लिए या मेरे सदगुरु जी के लिए राम रहीम इंसा जी के लिए और दूसरा क्या हो सकता है? आप हमें ये भी बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, क्या क्या कार्य चला रखे हैं, किस तरह वो कार्य करवाते थे? देखिए जहाँ पर हमारे देश की सरकार जो कि झारखंड वगैरह जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था, और वहाँ के इंसान पशुओं जैसी ज़िंदगी, जानवरों जैसी ज़िंदगी, तन पर कपड़ा नहीं था उनके, ना उनके बाल बड़े बड़े थे, जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पर जो है सरकार ने भी मना किया कि सतगुरु जी आप उस स्थान पर ना जाओ, वो लोग जो है तीर के द्वारा ही ऐसा निशाना कर देते हैं कि शिकार बना लेते हैं। हमारे सतगुरु जी ने ये कहा कि हमें प्रेरणा ही हमारे सतगुरु जी ने ये दिया कि जहाँ कोई नहीं जा सकता, जहाँ कोई जनता का भला नहीं कर सकता, वहाँ पर हम जाएंगे और जो सतगुरु जी करेंगे वही हमें मंजूर होगा। तो वहाँ पर जाकर के उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, उन्हें प्रेम की शिक्षा दी, और उन्होंने राम के नाम से जोड़ा। राम के नाम के अंदर मैं लिख कर दे सकता हूँ, मेरा सर कलम कर दिया जा कि राम के नाम के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी दूसरी शक्ति आज तक ना हुई और ना है और ना कभी होगी। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अगर हमें बताया है कि इस समाज में बाबा राम रहीम जी की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 35 वर्षों से डेरा को फॉलो कर रहे हैं, बाबा राम रहीम जी को मान रहे हैं, इनका कहना है कि अगर समाज में किसी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, समाज को अच्छे कार्यों के लिए दिशा दिया है, तो वो है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा। इस तरह की सच्ची वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।